हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर कल होगा चुनाव। शिमला समेत पूरे हिमाचल में वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी। सीमावर्ती जिले सिरमौर में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, दूसरे राज्यों से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, साफ दिल्ली, कूड़े का पहाड़ हटाने, अच्छी सड़कें और करप्शन मुक्त एमसीडी का वादा किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद केजरीवाल का दावा, कहा लिखकर रख लो, इस बार बीजेपी की 20 से कम सीटें आई। दिल्ली शराब नीति घोटाले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, संबित पात्रा ने कहा सबूत मिटाने के लिए सिसोदिया ने बदले कई फोन, करीबियों को ठेका देने का आरोप लगाया। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल सहित कुल 30 नाम। एमसीडी चुनाव के बीच दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर नंगे पैर चलकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, मैसूर चेन्नई वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, बेंगलुरु एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पीएम मोदी का रोड शो, गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शामिल। गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल का ऐलान, कहा विधायक बनने के बाद पूरी सैलरी दान करेंगे।